हेलो मेरे क्विकी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर वी, और आज मैं बात करूंगा ब्लैक एडम में आने वाले एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम है एटम स्मैशर। ब्लैक एडम पूरी की पूरी जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और इसमें एटम स्मैशर के अलावा हमें साइक्लोन, हॉकमैन और डॉक्टर फेट जैसे कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। बट जैसा कि मैंने कहा, ये वीडियो अल्बर्ट रॉथस्टीन एके द एटम स्मैशर के बारे में है, और इसे प्ले कर रहा है नेटफ्लिक्स का फेमस एक्टर नोवा सेंटिनेयो। जस्ट बिकॉज ऑफ हिम बहुत सारी लड़कियां ब्लैक एडम देखने वाली हैं। वी आर हैप्पी दैट एटम स्मैशर जैसा एक बलवान कैरेक्टर डीसीईयू में अपना डेब्यू कर रहा है। बट ब्लैक एडम में आने से पहले बहुत सारे डीसी फैंस ने उसे द फ्लैश में भी देखा होगा। उधर ये एज अ विलन आया था, एंड गेस करो किसने इसे प्ले किया था? WWE हॉल ऑफ फेमर एज एके एडम कोपलैंड ने। एल रॉथस्टीन एक मेटा ह्यूमन है जिसके पास अपने शरीर और वेट को बढ़ाने की शक्ति है। देखो, आपको ये ध्यान रखना है कि एटम स्मैशर और द एटम दोनों डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। लोग हमेशा इन दोनों को मिक्सअप कर देते हैं बिकॉज ऑफ देयर पावर्स, उनके सूट का कलर स्कीम एंड इवन उनके लोगोज। जो द एटम है उसका नाम है रे पामर, और वो एक बिल्डिंग जितना बड़ा भी हो सकता है और एक चीटी जितना छोटा भी। ये बेसिकली डीसी का एंटमैन काउंटर पार्ट है, बट ये एटम स्मैशर से डिफरेंट है क्योंकि वो सिर्फ बड़ा हो सकता है और अपने रेगुलर साइज पे वापस आ सकता है, वो छोटा नहीं हो सकता। अब इसकी पावर्स के बारे में डिटेल में हम थोड़ी सी देर में बात करेंगे, बट उससे पहले इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। एल रॉथस्टीन एक सुपर विलन साइक्लोट्रॉन का पोता है। उसे अपनी मेटा ह्यूमन पावर्स अपने दादाजी से विरासत में मिली थी, बट उसे उसके पापा ने हमेशा हीरो बनना सिखाया, तो अल्टीमेटली वो जाके बना न्यूक्लॉन। और जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका को ज्वाइन करने से पहले वो इन्फिनिटी इनकॉर्पोरेशन नाम की एक सुपर हीरो टीम का भी पार्ट था। बट जब से ब्लैक एडम ने जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका ज्वाइन करी, उसकी एटम स्मैशर से दोस्ती बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई। वो बेसिकली भाई भाई बन गए। फिर धीरे धीरे ब्लैक एडम ने रॉथस्टीन में JSA की तरफ बहुत ज्यादा गुस्सा देखा, क्योंकि वो विलन्स को मारने से रोक देते थे। तो ब्लैक एडम ने उसके गुस्से को यूज किया और उसे JSA से बाहर करवा दिया। फिर वो दोनों मुंह बोले भाई ब्लैक एडम के पुराने देश कांडक पे कब्जा करने चले गए। रॉथस्टीन ब्लैक एडम का दाहिना हाथ बन गया, और वो एडम के लिए अपनी पुरानी टीम JSA से भी लड़ा, बट अल्टीमेटली उसे अपनी गलती दिख गई और उसने ब्लैक एडम से अलग होकर वापस JSA को ज्वाइन कर लिया। अब आते हैं उसकी पावर्स और अबिलिटीज पर। जैसा कि मैंने कहा था, वो अपने शरीर का साइज और वेट बढ़ा सकता है। उसकी बॉडी थोरियम रेडिएशन से एक्सपोज हो गई, जिसकी वजह से वो अपना आकार 28 फीट तक ऊंचा कर सकता है। वो ऐसा करता है अपनी बॉडी के एटम्स के बीच में डिस्टेंस लाकर। बट सबसे बढ़िया बात यह है कि उसके साइज के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। उसके मुक्के ऑलमोस्ट ब्लैक एडम जितने पावरफुल हो जाते हैं। उसके अटैक्स झेलने की क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो शज़ाम जितने पावरफुल लोगों के मुक्के भी झेल सकता है। ब्लैक एडम ऑब्वियसली एटम स्मैशर से काफी ज्यादा स्ट्रांग है, बट एटम स्मैशर और ब्लैक एडम की फाइट बहुत देर तक चल सकती है, क्योंकि एटम स्मैशर को हराना इतना आसान नहीं है। इसकी एक और बढ़िया बात है कि साइज और वेट बढ़ाने के बाद भी ये स्लो नहीं होता। सो मेरे हिसाब से ये MCU के जायंट मैन से बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वो तो साला बड़ा होते ही थक जाता है। पर ये अपना बड़ा साइज बहुत देर तक होल्ड कर सकता है और लोगों को तेजी से पीट भी सकता है। बट हाँ, इसकी एक वीकनेस भी है। अगर ये अपनी लिमिट से ज्यादा बड़ा होने की कोशिश करता है तो इसे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये अपनी बेस्ट फाइटिंग 28 फीट बड़ा होके ही दिखा पाता है। इन पावर्स के अलावा रॉथस्टीन एक बहुत बढ़िया पायलट और मैकेनिक भी है, और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एकदम माहिर है। अब क्योंकि नोवा सेंटिनेयो इस रोल को प्ले कर रहा है, तो DCEU में हमें एक यंग वर्जन ऑफ एटम स्मैशर देखने को मिलेगा। पर हाँ, भाई ने बॉडी तो बहुत बढ़िया बनाई है ये रोल प्ले करने के लिए। अब देखना यह है कि DCEU इसके रोल को कैसे हैंडल करता है, और क्या इसकी ब्लैक एडम से कॉमिक्स जैसी ही दोस्ती होती है या नहीं। क्योंकि ये ब्लैक एडम की मूवी है, तो मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि एटम स्मैशर का रोल थोड़ा कम ही होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि WB एटम स्मैशर को खुद की एक सीरीज दे। इनफैक्ट उन्हें पूरे JSA की ही एक सीरीज HBO Max पर रिलीज करनी चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, हमें बताएं हमारे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वो लाइक और सब्सक्राइब बटन्स दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिस्टर वी आपसे विदा लेता हूँ, एंड मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।